कि लड़की जब घर से विदा होके जाती है, अपना घर छोड़ के, अपनों को छोड़ के नए लोगों के बीच, वाकई मुश्किल काम होता है। हम उसका सम्मान करते हैं, पर ज़रा सोचिए, जो लड़के घर से दूर नौकरी करने जाते हैं, क्या उनको भी अपना घर, अपना दोस्त, अपना परिवार छोड़ के नहीं जाना पड़ता? उनके ऊपर भी कुछ तो बीतती होगी। मैंने सोचा उस ख्याल को क्यों ना कुछ शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो ये कुछ लाइनें हैं, वो हम पढ़ते हैं आज। जो तकिए के बिना कभी सोने से भी कतराते थे, आकर देखिए वो अब कहीं भी सो जाते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले अब कुछ भी खा लेते हैं। अपने रूम में किसी को भी नहीं आने देने वाले अब एक ही बिस्तर पर सबके साथ एडजस्ट करके सो जाते हैं। भाई साहब, लड़के भी घर छोड़ जाते हैं, घर को मिस करते हैं, लेकिन कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हूं। 100-100 ख्वाहिशें रखने वाले अब कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए। पैसे कमाने की जरूरत में वो घर से अजनबी हो जाते हैं, लड़के भी घर छोड़ जाते हैं। बना बनाया खाने वाले अब वो खाना खुद बनाते हैं, माँ बहन बीवी का बनाया अब वो कहाँ खा पाते हैं। कभी थके हारे होते हैं तो भी वैसे ही सो जाते हैं, क्योंकि बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। मोहल्ले की गलियां, जाने पहचाने रास्ते, जहां दौड़ा करते थे अपनों के वास्ते, माँ बाप का प्यार, यार दोस्त सब पीछे छूट जाते हैं। तन्हाई में करके याद, लड़के भी आंसू बहाते हैं, क्योंकि बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। नई नवेली दुल्हन, जान से प्यारे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे, चाचा चाची, ताऊ ताई, सब कुछ छुड़ा देती है साहब ये रोटी और ये कमाई। मत पूछो इनका दर्द वो कैसे छुपाते हैं, क्योंकि बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। आज की ये कविता उन सारे बेटों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो नौकरी करने घर से बाहर निकले हैं, जिनके कंधे पर 100 जिम्मेदारियां हैं, जिनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, लेकिन चूंकि हमारे समाज में एक डायलॉग प्रचलित है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ये फिल्मों में ठीक लगता है, मर्द को भी दर्द होता है, उसके भी आंसू आते हैं और बेटे भी घर छोड़ जाते हैं।